आज तक आपने अपनी जर्नी जैसे कॉलेज से स्टार्ट की और अभी तक कितना पैसा बना लिया हाफ आ मिलियन डॉलर हाफ आ मिलियन डॉलर मतलब पाँच करोड़ चार करोड़ के आसपास आज आप मैं और इंडिया के सारे लोग ये मान लेते हैं कि इंडियन रुपीस जैसी कोई भी चीज़ नहीं है और सब लोग ये मान लेते हैं कि गोल्ड एक रियल करेंसी है तो वो करेंसी बन जाएगी मेरी ओवरऑल नेटवर्थ जितनी भी है क्रिप्टो के अलावा मेरे पास स्टॉक्स है मेरे पास जितनी भी चीज़ें गोल्ड और सब कुछ मिला के उस ओवरऑल नेटवर्थ का 43 परसेंट पैसा सिर्फ एक टोकन में है मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी आपके पास फंड छोटा होता है तब आपको रिस्क बढ़ा देना चाहिए इंडिया में आप पैसा कमाते तो हो तो सबसे पहले लोग हेट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप पैसा कमाते हो लोग आपको और एंकरेज करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जीत भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप बोल रहे हैं कि आपने अपना पैसा सात गुना किया है एक हफ्ते के अंदर यस yes. सो हेलो गाइज वेलकम टू द अमरेव शो वंस अगेन एंड आज हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जो पाँच छः करोड़ रुपए तो ऐसे ही क्रिप्टो कॉइन में डाल देते हैं दस दिन में बैठे बैठे मेरे सामने दस लाख रुपए के आसपास का कमाया ट्रेड से और वो क्रिप्टो की कौन सी ऐसी स्ट्रैटी है इंडियन मार्केट से भी ये दस बारह लाख रुपए कमा चुके हैं पिछले साल में तो क्या ऐसी स्ट्रैटी जो इनको हर महीने एक लाख रुपये ला दे रहे हैं इंडियन मार्केट से क्रिप्टो में कमा रहे हैं चार छः करोड़ रुपये एक कॉइन में डाल दिया है सब चीज़ें विथ प्रूफ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ सो गाइज़ वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को बाद इन्होंने स्विगी वगैरह में डिलीवरी का काम किया मतलब कैसे स्विगी में डिलीवरी का काम करते हुए और आज आप पांच छे करोड़ एक कॉइन में लगा के बैठे हो मतलब कैसे हुआ ये शॉर्ट में बताइए सो डिलीवरी करता था उस टाइम पे कॉलेज भी चालू थी और ऑनलाइन बिज़नेस चालू कर दिया वहाँ से बिज़नेस में उतर गए जॉब करने की पहले से इच्छा नहीं थी तो एक चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ मैंने जितनी बार मेरी हेयर स्टाइल चेंज नहीं की उस मेरे बिज़नेस चेंज किया है तो अलग 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 बहुत सारे बिज़नेस करने के बाद एजेंसी में सक्सेस मिली वहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा कमाया अब जो पैसा कमाया वो उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना था क्योंकि पैसा कमाना अलग होता है और उस पैसे को बढ़ाना अलग होता है तो उसके बाद मैं सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में आया वहाँ से मैंने पैसा कमाया फिर मुझे आइडिया है कि अभी मैं थोड़ा यंग हूँ तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में मैंने पहले 2017 में इन्वेस्ट किया था बट मेरे पास इतना पैसा था नहीं तो फिर धीरे 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 2021-22 से क्रिप्टो में मैं काफ़ी हेवी इन्वेस्ट करने लगा एंड uh, बस वहाँ से फिर इनकम होती रही उसको मैं क्रिप्टो में धीरे 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 इन्वेस्ट करता रहा एंड वहाँ से जो भी चीज़ें हुई आगे काफ़ी अच्छी बढ़ी तो जीत भाई देखिए आज हमारे देश में ऐसी चीजें होती कि बहुत ज्यादा लोग फेंकने लगे हैं है ना तो हम प्रूफ के साथ आज सारी ऑडियंस को कि आपने क्या किया है कैसे किया है हर चीज पक्का दिखाना है हाँ जी भाई हम लैपटॉप लेके बैठे हैं क्योंकि पिछले वाली वीडियो में हमारे साथ एक गेस्ट थे उन गेस्ट ने कुछ ऐसी चीजें बोली तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर हमें प्रूफ भी दिखाया करिए तो ज्यादा हमें मजा आएगा तो हम सोचे कि इस वाले पॉडकास्ट में आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाएंगे तो जीत भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपने अभी तक क्रिप्टो और इंडियन स्टॉक मार्केट से मिस्टर जीत शाह ने कितना कमाया है आ, कुछ करोड़ों में तो कमाया होगा और क्या हम इसका प्रूफ देख सकते हैं लाइव देखते हैं दिखाइए ठीक है so, सो सबसे पहले पोर्टफोलियो दिखाता हूँ लाइव कितना अभी है हाँ जी सो so, सबसे पहले अलग अलग एक्सचेंज के साथ दिखा दो तो फर्स्ट मेरे पास है गेट इस एक्सचेंज में अभी कुछ साढ़े बाईस तेईस लाख रुपये आसपास है एंड द बिगेस्ट एक्सचेंज जहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि वजेर एक्स बंद हो गया सो so, वहाँ पे भी थोड़ा फंड है मेरे पास सो इज वन ऑफ द वजर एक्स अकाउंट जहाँ पे दस लाख है मैं आपको दूसरा वजेर एक्स दिखाना चाहूँगा मतलब आपका टोटल क्रिप्टो पोर्टफोलियो चार एक करोड़ रुपए का है यस फोर करोड़ सो ये वाला वजीर एक्स अकाउंट किसका है ये मेरा खुद का अकाउंट है ओके okay. सो so यहाँ पे तो आपने मल्टीपल जगह पे बना रखा है अकाउंट yes. ताकि हैक हो गया तो पैसा कम जाए नाइस। बट एक्सचेंज ही डूब गया सो <laughs> so यहाँ पे एक्चुअली कुछ तीस लाख आसपास था ओके okay. तो एक्सचेंज जैसे ही बंद हुआ उन्होंने प्राइस जो पिछले तीन दिन में घटी है तो वहाँ पे ये घट हुई प्राइस रही है तो यहाँ पे आपको कुछ इक्कीस लाख दिखा रहा होगा ये Yeah. अच्छा चलिए फंड तो हम देख लेंगे आपके पास फंड तो बहुत है है हमने देखा हुआ है। uh -huh. हम ये बताइए मतलब दिखाइए पर आप लाइव प्रॉफिट दिखा पाए कि जो आप दिखाइए दस, दस दिखा तो कैसे का ट्रेड लिया था आपने ठीक है सो एक टोकन था बैनडॉग ये टोकन एक मीम टोकन है एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट आपको हमेशा

प्रूफ दिखा सकते हैं हम्म चलिए दिखा देते हैं सो so, ये है मेरा एम एक्स अकाउंट ओके okay. जहाँ पे हम चले जाते हैं ट्रेड हिस्ट्री में सो so, यहाँ पे तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था इस कॉइन में सो so, इस बैंडॉक टोकन में मैंने इन्वेस्ट किया था ढाई लाख रुपए ओके पच्चीस सौ यूएसडी ओके ठीक है okay,

पाँच छः को वहाँ पे मैंने प्रॉफिट निकाला सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड यू डॉलर वाह और उसके बाद सात छः को एग्जैक्ट नेक्स्ट पे मैंने निकाला पच्चीस सौ यू डॉलर का वापस प्रॉफिट तो मतलब आपने पच्चीस सौ लगा के जहाँ तक हम देख सकते हैं दस ग्यारह हजार बना लिए तो आपने कितना बनाया इसमें प्रॉफिट इसमें नौ लाख से दस लाख रुपए और लगाया कितना था दो लाख ढाई लाख वो निकल के बाकी का प्रॉफिट नौ लाख का बताइए गाइस और यहाँ हमें देखिए हम दिन भर काम करते हैं तो ले दे के कोई दो चार पाँच लाख रुपए आए बताइए बताइए क्रेजी क्रेजी जीत भाई ऐसे इंडियन मार्केट में भी करते हैं आप यस yes, इंडियन मार्केट में मैं करता था लास्ट ईयर तक इवन इस साल भी मैंने किया है उसका वेरीफाइड पी दिखाएंगे आप जी उसका मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितना मैंने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था

बट हमारे साथ पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि गेस्ट कभी ऐसी बड़ी बात कर जाते हैं जो थोड़ा बचाना मुश्किल है तो आज से हमने रूल लगा लिया है कि पहले गेस्ट का स्क्रीनिंग होगा हमारे पॉडकास्ट में <laughs> कि दिखाइए सब सही है नहीं है तो दिखाइए तो जीत भाई सो so, आपके सामने एक बार सर्च फिर से करके दिखा देता हूँ सो so, यहाँ पे तकरीबन जो प्रॉफिट है वो है साढ़े बारह लाख रुपए का जो रियलाइज्ड है मतलब मैं ये बुक कर चुका हूँ ऑलरेडी और इस बारह लाख को कमाने के लिए आपने पैसा कितना लगाया था ऑलराइट right. अपना वो वैल्यू कर होता है ना इक्विटी कर वो दिखाई दिखा आप। दो दिखा आपको गाइस हर एक चीज आपको दिखाएंगे कितना पैसा लगा के कितना पैसा बनाया जा सकता है कोई भी फेक रिटर्न यहाँ हम प्रॉमिस नहीं कर रहे एंड बाय द टाइम आई जस्ट गिव यू डिस्क्लेमर दैट वी आर नॉट से रजिस्टर्ड वी नॉर आई एम रजिस्टर्ड नॉट ही इज रजिस्टर्ड इट्स जस्ट अ डिस्क्लेमर दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ओके सो गाइज जैसे हम लैपटॉप में लेके देख सकते हैं जीत भाई ने अकाउंट चालू किया है 2022 जुलाई में विध अकाउंट वैल्यू ऑफ फाइव लैख सिक्स लैख धीरे धीरे पे आउट पे इन पे आउट पे इन करते करते ठीक है इनका जो अकाउंट पहुंच गया है वो हो गया है 54 का हाई लगाया इन्होंने अपने अकाउंट में 56 का हाई लगाया और यहाँ पर इन्होंने पे आउट भी लिया हम बीच बीच में देख सकते हैं जैसे इस एरिया में हम जूम करें तो इन्होंने यहाँ पर पे आउट लिया है पाँच लाख का कभी इन्होंने यहाँ पर एक बार पे आउट लिया है दो लाख का तो पे आउट पे इन करते करते इनका अकाउंट ऐसा गया है अगर इसमें हम सेटिंग में देख पाए ओके तो ये रहेगा इनका पे आउट पे इन का ग्राफ जहाँ जहाँ पर इन्होंने पे आउट पे इन लिया है सब यहाँ पर लिख के आ गया देखिए क्रेज़ी भाई क्रेज़ी मतलब अब तो भरोसा हमें भी होने लगा और इनका हम पी डायरेक्टली ही देख लेते हैं तो हम यहाँ जाएंगे डैशबोर्ड में रिपोर्ट्स में पीएनएल में एन एल में इक्विटी कंबाइंड और हम देख लेंगे भाई लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कमाया है ट्वेल्व लैस सिक्सटी थ्री थाउजेंड इस फाइनेंशियल ईयर में देख लेते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर अपने अकाउंट चेंज कर लिया चेंज कर ओके ठीक है इनको जीरो दा के अभी थोड़ा ग्लिचेस कर रहा था बाय द वे वी ऑल्सो यूज फायर सो इफ यू यूज़ फायर तो आप नीचे लिंक इन बायो से चेक कर सकते हैं लिंक

जो ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है यानी कि स्टॉक हो सकता है या फिर क्रिप्टो हो सकता है उसमें मैं जब वो मुझे कम वैल्यूएशन पे मिलते हैं तब मैं वो बाई करता हूँ तो आप सर्च कैसे करते हैं चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम गए क्रिप्टो को टारगेट करेंगे यहाँ पर क्योंकि इंडियन मार्केट तो आप हमसे ही सीख सकते हैं आज हम क्रिप्टो सिखाएंगे आपको श्योर sure. क्रिप्टो में हमें आज तक जो पता है नॉर्मल ऑडियंस को बिटकॉइन इथीरियम सोलाना ट्रॉन ये सब ये मीम कोइंस क्या होते हैं मीम कोइंस ये होता है कि कोई कम्युनिटी बेस्ड टोकन्स होते हैं अच्छा फॉर एग्जाम्पल So, जैसे और ऐसा ही टोकन है इस टोकन से मैंने काफी ज्यादा पैसा और भी कमाया हुआ है okay. और जब भी कोई टोकन हम लेते हैं ना तो मैं ये देखता हूँ कि कम्युनिटी कैसी है।, okay. अभी कम्युनिटी क्या करती है देखो हम जो इंडियन रुपीज यूज करते हैं ना ये भी एक कम्युनिटी बेस्ड चीज़ है भले हाँ। ही ये इंडियन गवर्नमेंट ने मानी बट आज आप मैं और इंडिया के सारे लोग ये मान लेते हैं कि इंडियन रुपीस जैसी कोई भी चीज नहीं है और सब लोग ये मान लेते हैं कि गोल्ड एक रियल करेंसी है तो वो करेंसी बन जाएगी तो ऐसे इन लोगों ने क्या किया कि एक कम्युनिटी बनाई और ऐसे मीम कॉइन बनाया ऐसे उन्होंने मीम कॉइंस बनाए वो कम्युनिटी बेस्ड कॉइन होता है कम्युनिटी बेस्ड कॉइन ओके भाई ये ऑल्ट कॉइन क्या होता है ऑल्ट कॉइन का मतलब होता है कि बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा अल्टरनेटिव होते हैं उसको बोलते हैं अच्छा, तो और के जो भी होते है, अगर हम गलत नहीं है तो मीम कोइन का ही नाम कॉइन अब क्या करते हैं हम जब भी शर्टेजी यूज करते हैं तो हम मोस्टली पैसा जो होता है ना वो फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में ही लगाते हैं बट हम कुछ परसेंट फाइव टू सेवन परसेंट पैसे का गैम्बल कर सकते हैं जिसको हम कॉइन में डाल सकते हैं बिकॉज जो ये कॉइन होता है ना ये बहुत ही फास्ट ऊपर जा सकते हैं आपने जैसे देखा सात गुना बढ़ गया सात दिन में ऐसे मैंने देखा हुआ है चालीस चालीस गुना एक एक दिन में बढ़ते हैं इतनी फास्ट ग्रोथ होती है तो हम इसलिए कभी कभी में हमारी ओवरऑल नेटवर्थ का एक दो परसेंट का रिस्क लेके डालते हैं जो कि हमें कभी कभी बहुत बड़ा पैसा बना के देता है गॉट इट अभिजीत भाई हमें बताइए आप कि आपने अपना जो चार करोड़ रुपए का आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो है जो हम देखे भी हैं इसमें से सबसे ज़्यादा पैसा कौन से कॉइन में लगाया है सो <laughs> so, मेरी ओवरऑल नेटवर्थ जितनी भी है क्रिप्टो के अलावा मेरे पास स्टॉक्स है मेरे पास बाकी जितनी भी चीजें गोल्ड और सब कुछ मिला के उस ओवरऑल नेटवर्थ का फोर्टी थ्री परसेंट पैसा सिर्फ एक टोकन में है समझ रहे हैं इस चार साल पाँच साल इस इंसान ने स्विगी डिलीवरी वाले से कहाँ पहुँच गए मतलब स्विगी में डिलीवरी किया करते थे ये शख्स और वहां से चार साल में ये पहुंच गए करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो में जिसमें पैसा so, <laughs> <laughs> oh चलिए दिखाइए कौन सा कॉइन है वो सो so, कॉइन का नाम है फाला और दिखाइए आपकी होल्डिंग कितनी है दो तीन अकाउंट दिखाइए जरा प्रूफ भी थे और Achha. एक भी टोकन नहीं है यहां पे तो मेरे पास यहां पे 30 लाख का फाला था okay. और वो भी गिरा हुआ है अभी करंट पे नहीं तो आपने बाय कितने लाख का किया था ये मैंने ये कुछ 70 अस्सी लाख से ऊपर का बाय किया है इसी, इसी में? आ, नहीं इस अकाउंट में मैंने बाय किया लगभग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50 55 लाख का फिर बाकी अकाउंट्स पे मैंने ट्रांसफर भी इसमें लिए हुए हैं तो पचास लाख का फाला बाय किया था फाला भी अभी डाउन हो रखा है तो वो इक्कीस दिखा रहा है और, दिखा ही और और दिखाई है सो ना वहाँ से बीस परसेंट आसपास डाउन है अच्छा। पे। मुझे अलग अलगेंज का एक्जेक्ट रेट याद नहीं है मैंने कहा बाई किया है

मार्केट रेट मैंने आपको बताया वैसे मैं पच्चीस सौ चार्ज करता हूँ इसके लिए एक महीने का विच इज वेरी अफोर्डेबल अगर आपको नेक्स्ट मंथ से पसंद ना है बंद कर दीजिए तो गाइज इनका कम्युनिटी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीजी इज द नॉमिनल चार्ज बट ये टू थाउजेंड आपके लिए चार्ज कर देंगे विल पुट सम कूपन कोड फॉर यू सो इफ़ यू यूज़ कूपन कोड एज फाइव हंड्रेड तो आपको पाँच सौ रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा मंथली इनके मेंबरशिप में पच्चीस सौ रुपये का दो हज़ार में आप ले सकते हैं और इनके साथ आप काम कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे पिंड कॉमेंट्स में भी आ जाएगा भाई लेकिन yeah. अभी आप देखिए प्राइवेट कम्युनिटी ये सब तो बहुत अच्छी बात है वो आप बिलियनस बनवाइए उनके हमारी ऑडियंस जो देख रही है

चैट जीपीडी का थोड़ा एक एडवांस वर्जन आया है इसको हम बोलते हैं एआई एजेंट्स ओके ए आई एजेंट्स क्या काम करता है ये आपके छोटे 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 काम को एआई कंप्लीट कर देगा और इसको हम बोलते हैं एआई एजेंट्स एजेंट्स जो होते हैं वहां पे यानी कि कोई कोड होता है जो कि ये काम आपके लिए कंप्लीट करता है तो उसका एक एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है फाला जिसमें मैंने मेरी ओरल्ड नेटवर्क का मैंने बताया फोर्टी थ्री परसेंट डाला हुआ है तो ये फाला जो है ये काम करता है ए एजेंट्स का तो और ये एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है तो आपका है। कहना है कि आपकी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है मार्केट में जो भी नया ट्रेंडिंग है Absolutely. आप उसका कॉइन देखते हैं अभी कॉइन में क्या क्या डिटेल्स देखते हैं वो भी हमें जरा खोल के दिखाइए ऑल सो मेरा रूल नंबर वन है क्योंकि मुझे पैसा अगर ज्यादा कमाना है तो मैं हंड्रेड मिलियन से नीचे जिस टोकन की फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप है उसको सबसे पहले चूज करता हूँ

करेक्ट अच्छा सेकेंड स्ट्रेटी मेरी ये होती है कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उस पर्टिकुलर टोकन की वो एटलीस्ट एट्टी परसेंट मार्केट में आ चुकी हो अच्छा अब ये क्या होता है जैसे मानना था मैं फाउंडर हूँ किसी कॉइन का अब जब भी वो कॉइन आता है मैं भी कहीं ना कहीं से पैसा कमाऊँगा तो मैं मेरे टोकन मार्केट में सेल करता हूँ जब वो मार्केट में लिस्ट होता है टोकन तो जब भी मैं सेल करता हूँ उस टोकन को तब प्राइस गिरती है

अच्छा लगा सुन के अभी अगर हो जाए तो मज़ा भी आ जाएगा <laughs> इसके अलावा जीत भाई देखिए हम क्रिप्टो में उतने प्रो नहीं है बट आई नो दैट यू हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी जीत भाई क्रिप्टो में ऐसे पेनी क्वेंस बताइए जो कम रेट में मिल जाए और एटलीस्ट दस गुना हो जाए ठीक है सो so, मैं पाँच में से आपको चार टोकन ऐसे बताऊँगा जो ए या डिपिंस के है और एक टोकन आपको ऐसा बताऊँगा जो मीम टोकन है जो सबके फेवरेट होते हैं ठीक है सो सबसे पहला टोकन

ये भी एक ए आई का प्रोजेक्ट है इसकी प्राइस भी कुछ पंद्रह चौदह रुपए आसपास चल रही है अच्छा ये कितना जा सकता है ये भी मुझे लगता है मिनिमम दस गुना जाना चाहिए अगर इसकी सही पोटेंशियल के हिसाब से मुझे लगता है है ये इवन भी जा सकता क्रेजी यस सो मैं अगर चाह सब कॉइन में अगर हजार हजार रुपया भी डाल के छोड़ दूँ और आज से पाँच साल में देखूँ तो हो सकता है सब चालीस चालीस पचास पचास हजार हो जाए होंगे मिनिमम क्रेजी पाँच हजार से पाँच लाख रुपए की जर्नी इट्स रियल

और फिर से गिरे छः गुना हुआ तो मैं जितना पैसा इस टोकन में लगा रहा हूँ उसके मैं छत्तीस गुना पैसा बनाऊँगा क्रेजी मतलब इन्होंने ढाई लाख लगाया उसके ऊपर नौ लाख का प्रॉफिट निकाला बारह तेरह लाख रुपए बाहर निकाले अभी ये तेरह लाख रुपए लगाएंगे और उसके बाद वो जब दस गुना हो जाएगा तो डेढ़ करोड़ रुपए हो जाएगा फिर वो बाहर निकाल लेंगे और फिर ये करेंगे तो ओवरऑल ढाई लाख से डेढ़ करोड़ गुना, 40 गुना जो ये ये बोल रहे हैं। हैं। है। है, है है। जब कि है? आप जब जब आपको आपको पता हो कौन से पे पे करनी करनी होती होती कि किस आप थोड़ा और ये लोग experience कैसे बन सकते है? मतलब आपका कोई वगैरह इसके लिए? Uh, मेरा कोई कोर्स नहीं है मैं सिर्फ एक ये दो हज़ार का कम्युनिटी चलाता हूँ ये सिर्फ ऑडियंस के लिए है जो हमारे साथ आना चाहते हैं इसका so कोई इस अगर आपको जीत भाई की कम्युनिटी ज्वाइन करनी है अगर आप दो पिज्ज़ा डेली मतलब महीने का दो पिज्जा खा के वेस्ट कर देते हैं टॉयलेट पे तो दिस टाइम यू कैन टेक अ बेट दैट पच्चीस सौ रुपये की इनकी कम्युनिटी है यू कैन यूज अ कूपन कोड एस फाइव हंड्रेड एंड उसमें आपको ऑफ मिल जाएगा दो में आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें ठीक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट्स में आपको मिल जाएगा इसका सो yeah. so, इसके अलावा जीत भाई कुछ बताइए मतलब और क्रिप्टो का फ्यूचर क्या लग रहा है आगे मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो नेक्स्ट पाँच साल में सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी बिकॉज एक आम इंडिविजुअल जो होता है जो एक तनख्वाह कमाता है जॉब से सैलरी कमाता है वो चार से पाँच बार टैक्स पे करता है अगर आप पैसा क्रिप्टो में लेते हो तो आप सब कुछ ट्रेड करें इन्वेस्ट करें उससे चीज़ें परचेस करें उसके बाद आप जब एंड में पैसा अपने बैंक अकाउंट में निकालें तब आप एक बार सिर्फ टैक्स पे करोगे मुझे पर्टिकुलर ये लगता है कि आज भी अगर आप देखो तो दुबई में हम लोग यहाँ तो हम इंटरनेट का घर का रिचार्ज क्रिप्टो रिचार्ज क्रिप्टो से कर सकते हैं करके एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो बोलते हैं आपको रिचार्ज करना है आपने वाईफाई का आप क्रिप्टो में करिए मरीना बे में एक एटीएम है क्रिप्टो का आपको कैश चाहिए आप अपना क्रिप्टो दीजिए कैश लीजिए मतलब दुबई अच्छा हम अभी शूट कर रहे हैं हम रह रहे हैं आजकल दुबई शिफ्ट हो गए हम सब तो दुबई के अंदर क्रिप्टो में हर एक चीज अवेलेबल है एंड इंडिया में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जस्ट अ डिफरेंस मैं किसी कंट्री को बुरा या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स जैसे यहाँ पर आप पैदल नहीं चल सकते ज़्यादा आपको बहुत गोल घूमना पड़ेगा जेबरा क्रॉसिंग के लिए इंडिया में क्या है रोड थोड़ा सा तोड़ लेते हैं इंसान तो इंडिया में कैसा है आपने पाँच करोड़ रुपये कमाया मेरा एग्जाम्पल लेते हैं मैंने पाँच करोड़ कमाया टैक्स दिया उसमें अठारह परसेंट जी एस टी तीस परसेंट इनकम टैक्स तब मेरे पास बचता है मान लीजिए ढाई करोड़ रुपये सी ए वी ए का चार्जेस काट के उस टू पॉइंट फाइव करोड़ में लेने जाता हूँ एक कार अभी स्पोर्ट्स कार लेने जाता हूँ वो होती है डेढ़ करोड़ की कार एक शोरूम तो उसमें मेरे को लगता है अट्ठाईस परसेंट जी एस टी उसके बाद लगता है मुझे बीस परसेंट का रोड टैक्स आर टी ओ मुंबई में उसके बाद मुझे लगता है वन परसेंट का सेस तो मुझे आप यहाँ पर देखेंगे वही डेढ़ करोड़ की कार ढाई करोड़ में पड़ती है तो टेक्निकली मैं एक डेढ़ करोड़ का सामान लेने के लिए जो कि मैं दुबई में ले सकता हूँ उसके लिए मुझे इंडिया में पाँच करोड़ कमाने जरूरी है मेरे बैंक में पाँच करोड़ आने चाहिए बट दुबई में अगर मेरे अकाउंट में एक करोड़ ही आ गया तो मैं सेम चीज़ खरीद सकता हूँ सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर जो है पानी और बहुत सारी चीजें थोड़ी महंगी है इंडिया में जैसे आप देखेंगे टमाटर दस रुपए किलो या चार हम खुद ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए okay. इंडिया में खीरा और ये सब आपको दस पांच रुपये बीस तीस रुपए किलो में मिल मिल जाएगा जाएगा हम खुद बेचते हैं फार्म से पर चैनल लिंक नीचे बट यहाँ पर वही सब महंगा है तो लिविंग कॉस्ट यहाँ पर जरूर महंगा है क्रिप्टो के उसमें हम देखेंगे अगर कि आप क्रिप्टो के लिए शिफ्ट हो रहे हैं बट यहाँ पर लोग भी वैसे जैसे हम एक कोरियन को जानते हैं जो एक हजार करोड़ रखा हुआ है क्रिप्टो में सो क्रेजी क्रेजी लोग हैं बहुत सारे क्रेजी लोग हैं तो जीत भाई अभी क्रिप्टो के अलावा आप क्या क्या करते हैं सो so, क्रिप्टो के अलावा मेरी खुद की एजेंसी है जहाँ से मेरी इनकम कंटिन्यूसली आती है और रियल एस्टेट में अभी इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में मैं इन्वेस्ट नहीं करता अभी अच्छा तो आपको लगता है पैसा कम बनेगा सो so, जैसे मैं अभी यंग हूँ मैं अभी पच्चीस साल का हूँ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के करियर में पैसे को कंपाउंड करना ज़्यादा जरूरी है ना कि पैसे को सेव करना तो मैं एक मनी का खुद एक रूल मानता हूँ जब भी आप अपनी तनख्वाह से या बिजनेस इनकम से जब भी पैसा कमाओ सबसे पहले उसको सॉफ्ट एसेट्स में डालो सॉफ्ट एसेट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में क्रिप्टोज में या कोई बिजनेस बाई करो जब वो पैसा आपका बन जाए बढ़ जाए उसके बाद उस पैसे को हार्ड एसेट में शिफ्ट करो हार्ड एसेट मोस्टली पैसे को प्रिजर्व करने के लिए होता है सॉफ्ट एसेट मोस्टली पैसे को बढ़ाने के लिए होता है सो गई जैसे इंडिया में हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती कि तीन टाइप के वेल्थ के प्रोसेस होते हैं सबसे पहला होता है सर्वाइवल मोड जो भी ये ऑडियंस जो हेट देती है मोस्टली मुझे ऐसा लगता है वो सर्वाइवल सरवाइवल मोस्टली अरे हेटर्स का आपका क्या कहना है वैसे यार हेटर्स होना अच्छी बात है टू बी वेरी ऑनेस्ट नाइस सो एक चीज़ है कि अगर सब लोगों को आप पसंद हो तो आप कुछ गलती कर रहे हो हमारा ह्यूमन माइंड ये है कि लोग हमें हेट देते ना तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं बट हेट एक फ्यूल है

वेल्थ क्रिएशन मोड में जैसे जीत भाई अभी मुझे लगता है वेल्थ क्रिएशन मोड में ये अपने चार करोड़ को चार सौ करोड़ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं विद इन द कमिंग ईयर्स आई मतलब हो भी जाएगा मुझे लगता है क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है बहुत और जिस बार आपके पास जैसे चार सौ पाँच सौ करोड़ आते हैं उसके बाद लोग जाते हैं वेल्थ प्रिजर्वेशन मोड में कि भाई अभी दो सौ करोड़ निकाल के गोल्ड में डाल देते हैं हेज करके छोड़ देते हैं और दो सौ खेस से खेलते रहेंगे हम तो कभी कभी कुछ जीरो भी हो गया तो एटलीस्ट हमारे पास दो सौ रुपये दो सौ करोड़ रुपये जो पड़े हुए हैं So, stages, mold, wealth creation, wealth इंडिया में जाओगे में hmm. और अगर आप और गाँव में जाओगे तो आर इन सर्वाइवल nice. तो जीत भाई यहाँ पर आप दुबई शिफ्ट हुए तो आप क्यों शिफ्ट हुए मेरा तो समझ में आता है मुझे कार्स बहुत पसंद है मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था वेकेशन में जाना था आपका क्या सीन है सो यार मैं दुबई शिफ्ट हुआ और दो महीने रुका तब मुझे ये समझ आई कि यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है ओके इंडिया में आप पैसा कमाते हो तो सबसे पहले लोग हेट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप पैसा कमाते हो लोग आपको और एंकरेज करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सेकेंड चीज़ यहाँ पे लोगों की लाइफ की बहुत वैल्यू है इंडिया में लोगों की लाइफ की वैल्यू बिल्कुल नहीं है यहाँ पे अगर आप रोड पे निकलते हो कुछ भी हो जाए गाड़ी खड़ी हो जाएगी जब आप रोड पे निकलते हो लेकिन इंडिया में अगर आप रोड पे निकलो तो वाला होट इज रियल गाइस कोई True. नहीं वैसे सारी कंट्रीज अलग होती है अब जैसे आप ईरान इजराइल जाएंगे तो वहां की लाइफ की वैल्यू एकदम तो बत, अलग ही है ठीक है दूसरा मैंने एक चीज़ यहां पे आके नोटिस की कि यहां पे फूड जो होता है ना वो बहुत ज्यादा प्योर होता है इंडिया में 25 साल में रहा हूं इंडिया में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि दुबई में वो लोग वो खाना बेचते हैं जो सबसे हाईएस्ट भाव पे बिक सकता है सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बिक सकता है और वो खाना जो यहाँ पे लोग रिजेक्ट कर देते हैं वो हमें इंडिया में खिलाते हैं क्योंकि इंडिया में लोग पैसा इसके लिए पे करना पसंद नहीं करते कभी कभी कम पैसा स्पेंड करना भी एक आपको खतरा दे सकता है hmm. आपके लिए ख़राब चीज़ हो सकती है ट्रू ट्रू सो भाई ये तो चलो हो गई दुबई की बातें सुबह so अभी हम एक रैपिड फायर लेंगे जिसमें मैं इनसे पांच क्वेश्चंस पूछूंगा उनके आंसर्स ये क्लिप शॉर्ट में देंगे और विद इन वन मिनट देंगे पांच ऐसे कॉइन्स बताइए जो दस गुना हो जाएंगे इन नेक्स्ट थ्री इयर्स फाला टीमो एफएलटी बेंडोग फैंटम क्रेजी सबसे फेवरेट कॉइन आपका जो एटलीस्ट तीस गुना हो जाए फाला ओके आज तक मार्केट में टोटल कितना पैसा लॉस किया है लॉस क्या है रिलाइज लॉस नहीं है बट कम से कम एक आध करोड़ डेढ़ करोड़ तो आपने इन्वेस्ट किया लेकिन पोजीशंस अभी डाउन चल रही है करेक्ट और आज तक आपने अपनी जर्नी जैसे कॉलेज से स्टार्ट की और अभी तक कितना पैसा बना लिया हाफ अ मिलियन डॉलर हाफ अ मिलियन डॉलर मतलब पाँच करोड़ चार करोड़ के आसपास आज से दस साल बाद जीत शाह कहाँ रहेगा इंडिया में नाइस सो गाइस अगेन जी ज्यादा रैपिड फायर क्वेश्चन जो मैंने इनसे पूछा और जाना तो हम सबको इंडिया ही है बट थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा ज़्यादा कमाने हम थोड़े बाहर देशों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके बाद वापस से वही सब पैसा एन आर टैक्स जो भी लगता होगा वो दे के हम इंडिया ले जाएंगे करेक्ट तो हमारी कंट्री को इकोनॉमिकल पुष मिलेगा एक तरीके से एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाकी जीत भाई की अगर क्रिप्टो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो कपन कोड एस फाइव हंड्रेड जिसमें आपको पच्चीस सौ के कम्युनिटी में पाँच सौ रुपये का ऑफ भी मिलेगा नीचे आपको लिंक मिल जाएगा यू कैन गो चेक इट एस फाइव हंड्रेड इज़ द कूपन कोड और कितने लोगों के लिए देंगे हम ये स्टार्टिंग के बीस स्टार्टिंग के बीस या पचास बीस तो ज़्यादा हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा क्योंकि सत्तर अस्सी हज़ार व्यूज तो ऐसे आते हैं स्टार्टिंग के पचास लोगों के लिए हमने ये डिस्काउंट दिया हुआ है एस फाइव हंड्रेड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको अगर अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करनी है तो बायबिट और सारे ब्रोकरस का लिंक आपको मिल जाएगा एंड साथ में नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा क्रिप्टो के लिए तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जो भी इस पॉडकास्ट पे गेयर्स यूज हुए उसके भी अमेजॉन लिंक्स आपको मिल जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द अमरेव शो वंस अगेन